हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनु आइडिया एंड जुगाड़। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार एकदम झटपट बन जाने वाली एग करी बनाएंगे। और ये हम बनाएंगे कुकर में। कुकर में बनाने से क्या है, आपका समय और आपकी एनर्जी, आपका क्या सब कुछ बचेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक कुकर लिया है। आपको जितने एग की करी बनानी है आप उतने एग ले लीजिए। दो ग्लास पानी डाल देंगे और गैस पे एक सीटी आने के लिए रख देंगे। हमें सिर्फ एक सीटी लगानी है, इससे ज़्यादा सीटी नहीं लगानी है। जैसे एक सीटी लग जाएगी आप गैस बंद कर दीजिए और जब ठंडा हो जाए कुकर तो फिर कुकर को खोल लेना है। फिर इसमें ठंडा पानी डाल के एग को पूरे अच्छे से छील लेने हैं। देखिए, मैंने गैस पे रख दिया है कुकर को ढक्कन लगा के। अब जैसे एक सीटी आएगी मैं गैस को बंद कर दूंगी। तो फ्रेंड देखिए, हमारे कुकर में सीटी आ गई है। तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अब इसे ठंडा होने देंगे। जब पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तब हम इसे खोल के छील लेंगे एग को। फ्रेंड देखिए, कुकर हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। देखिए, आप देख रहे होंगे प्रेशर पूरा निकल गया है। तो मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। अभी भी ये गर्म ही है। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारा अंडा उबल गया है और बिल्कुल भी कोई फूटा नहीं है। आप देख रहे होंगे वो एक एग में आप देख रहे हैं कि उसमें क्रैक हुआ है, यानी कि हमारा एग अच्छे से बॉयल हो गया। अब हम इसको पूरी तरह ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसको छील लेंगे। फ्रेंड देखिए, हमने सारे एग अच्छे से छील लिए। देखिए कितने अच्छे से एग बॉयल हुआ है, बिल्कुल भी कोई टूटा या फटा नहीं है। हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून मैंने यहाँ पे धनिया के, खड़ी धनिया के सीड लिए हुए हैं। 2 चम्मच हमने यहाँ पे जीरा लिया है। थोड़ा सा ये छबीला मसाला होता है मैंने ये लिया है। 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है। 1 चम्मच हमने यहाँ पे पोस्ता दाना लिया है। 5 से 6 लौंग ली है और 4-5 छोटी इलायची है। 2 तेज पत्ते के हैं। 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया हुआ है और 6 से 7 हमने यहाँ लाल खड़ी मिर्च ली हुई है। आप चाहे तो हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, मैंने ये 5 बड़े और मीडियम मिक्स साइज के प्याज लिए हुए हैं। 1 पूरा मैंने लहसुन का जो बड़ा कली होता है वो लेके छील लिया है। इतने बड़े अदरक के टुकड़े हैं 2 से 3 और यहाँ पे 4 टमाटर है। तो हम सबको एक मिक्सी के जार में इसको डालेंगे और इसका एक अच्छा स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। मैं सबको मिक्सी के जार में डाल देती हूँ और फिर इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लूंगी। ये देखिए, मैंने सारे मसाले मिक्सी के जार में डाल दिए हैं और मैंने अभी इसमें सिर्फ 1 प्याज ही डाला है और लहसुन अदरक डाला है, क्योंकि मसाले को थोड़ा सा स्मूथ करना है। इसलिए पहले हम मसाला को पीस लेंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी और इसका स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। जब हमारा मसाला अच्छे से स्मूथ हो जाएगा उसके बाद हम इसमें बाकी के जो अपने प्याज और टमाटर हैं वो इसमें डाल के फिर से इसको एक बार पीस लेंगे। देखिए, हमारा मसाला इस तरीके से पीस गया है। तो बाकी का मैं जो इसमें टमाटर और प्याज है वो सब इसमें डाल दूंगी और हम इसको फिर से एक बार स्मूथ बैटर तैयार। सब चीजों को एक साथ ही पीस लेना है, अलग अलग आपको डालने या पीसने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमारा मसाला अच्छे से स्मूथ एकदम पीस गया। फ्रेंड, अब आपको क्या करना है, कुकर को गैस पे गर्म करना है और उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिए हैं। सारे एग को हम एक साथ फ्राई नहीं करेंगे, 4 या 5 एग एक साथ फ्राई करेंगे। और यदि ज़्यादा क्वांटिटी में है तो हम इसे 2 बार में फ्राई करेंगे। अगर यदि कम है तो आप 1 ही बार में फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए, एग अच्छे से फ्राई हो गया है। तो मैं बाकी के एग भी ऐसे फ्राई कर लेती हूँ। तो इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है और उसके बाद मैं इसमें 2 बड़े चम्मच और तेल डालूंगी, उसी पुराने तेल में। और इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें मेथी के सीड डालूंगी। ये देखिए 1/4 स्पून है और थोड़ा सा काली राई है, ब्लैक मस्टर्ड, वो भी ऐसी 1/4 स्पून है, वो डाल देंगे। जब दोनों अच्छे से तड़क जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें मसाला डालेंगे। उसके पहले मैं तेल में ही थोड़ा सा पिसी हुई लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता डाल रही हूँ और थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी और थोड़ा सा हल्दी भी है, हम तेल में ही डाल देंगे। उसे क्या है कि जो हमारी ग्रेवी होगी ना उसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है, अब इसमें हम मसाला डाल देंगे। तेल में डलते ही तेल का कलर ही चेंज हो जाता है। अब मैं इसमें मसाला डालूंगी और फिर इन सब चीज़ों को एकदम स्लो फ्लेम में ढक के पकाना है। जितने स्लो फ्लेम में पकाएंगे ना खाना उतना ही टेस्टी बनता है और जलता भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ भी नहीं करते हैं। इसलिए आपको इसे स्लो फ्लेम में ही पकाना है। तो बस अब मैं गैस की फ्लेम स्लो कर दूंगी और इसको ढक के धीरे धीरे पकने देंगे। बीच बीच में आपको ढक्कन खोलना है और चलाते रहना है ताकि मसाला नीचे से चले ना। बस अब हम इसे पकने देते हैं।
फ्रेंड देखिए हमारा मसाला आधा भुन गया है, एकदम स्लो फ्लेम ही रखना है। और अभी हम इसे आधा भुना हुआ है, आधा और भुनेंगे। जितने स्लो फ्लेम में भुनेंगे उतना ही हमारी ग्रेवी एकदम टेस्टी बनेगी। तो बस देखिए मैं फिर से इसको ढक देती हूँ और धीरे धीरे पकने देती हूँ। फ्रेंड देखिए हमारा मसाला भून गया, आप देख रहे होंगे एकदम गाढ़ा हो गया है, ये सूख गया इसका पानी। और अब मैं क्या करूंगी, इसमें एग डाल दूंगी। अब एग डाल के भी हम इसे 5 से 6 मिनट और भुनेंगे। उसे क्या है, जो भी इसका ग्रेवी का जो टेस्ट होता है ना, वो सब एग में अच्छे से चला जाता है और थोड़ा सा मसाला और भी भुन जाता है। तो देखिए मैंने सारा एग डाल दिया है और इसको फिर वापस हम अच्छे से भुनेंगे। साथ में मैं नमक भी डाल दूंगी, मसाले में नमक भी आ जाएगा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दीजिए। और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला भी डाल देंगे और फिर इसको 5 से 6 मिनट और एकदम स्लो फ्लेम में भुनेंगे। मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती भी अभी डाल देती हूँ, उससे इसका टेस्ट और कलर भी बहुत ही अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। इन सब चीजों को अच्छे से डाल के हम एक साथ भून लेंगे। साथ ही मैं इसमें पानी भी डाल दूंगी कि हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है और एग भी भुन गया है। तो बस अब हम पानी डाल करके और एक सीटी लगा देंगे तो बस हमारा एग करी बनके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड देखिए एक सीटी हमने लगा दिया है, अब जैसे कुकर ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। तो हमारी मजेदार टेस्टी एकदम मसालेदार एग करी बनकर तैयार है और आपका गैस और समय दोनों ही बच गया। देखिए बहुत ही कम समय में बनके एग करी तैयार है। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को नए सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको।